प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube एंड अभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि क्यों भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान, जिन्हें ओवैसी पे 10 करोड़ का केस किया है, और ये वीडियो इतनी दमदार होगी जिसमें आप देखेंगे नाजिया लाई खान जी का विस्फोटक इंटरव्यू, जो कि ना ओवैसी ना उसकी रजाकार की फौज सुन पाएगी। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। देते हैं वो, उनका अंजाम बहुत भयानक होने वाला है और आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो एक ऑनर है, आपकी जो इज्जत है, उसमें इजाफा होता रहता है। आए दिन जो है हम देखते हैं कि आपके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो, आप मेरे कमेंट्स में देखें जाके 2000 के करीब, 2500-700 इस तरह कमेंट्स आते हैं आपकी वीडियोस के नीचे और सारे यही कहते हैं कि ये भारत की शेरनी है, भारत की बेटी है। तो ये आपके लिए ऑनर और इज्जत की बात है, इस तरह के लोगों को भौंकने दे जो भौंक रहा है। तो लेकिन यहाँ पर जो ऑडियंस है हमारी, उनको कुछ दिखाने की भी जरूरत है। तो एक वीडियो मैं यहाँ पर प्ले करने लगा हूँ, फिर ये बताइएगा कि ये कहाँ का वाकया है और ये क्या हुआ है। और आपने जो अवैसी को एक नोटिस भेजा है 10 करोड़ रुपए का, वो उसके पीछे क्या वजह है और क्या नजर आ रहा है अवैसी का आगे? वो भाग जाएगा, आप उसको भागने देंगी या क्या उसका बनेगा, ये भी हम, लेकिन पहले ये वीडियो देखें। जी तो दीदी, ये कहाँ का वाकया है? और वैसे पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है जी कि मुसलमान को आजादी नहीं, वहां पर मुसलमान तो बड़े दबे हुए हैं, मुसलमान की आवाज को दबाया जाता है। यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि मुसलमान जो है वो एक जो वहां पर धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो ये क्या किस्सा क्या है ये? देखिए, पिछले 40 साल से अवैसी और अवैसी के बाप दादाओं ने पाकिस्तान को खुश करने का ही हमेशा तकरीर किया, जिससे पाकिस्तानी मुसलमान बहुत खुश हो जाए, भारत में रह करके, भारत का खा करके, भारत में इतनी नाम शोहरत और दौलत कमा करके अवैसी रजाकार के फौज का ही रह गया, वो कभी भी भारत का नागरिक बन ही नहीं पाया और बन भी नहीं सकता है। अवैसी के अब्बू जान कहा करते थे अपनी तकरीर में कि हिंदू उनके तलवे चाटते हैं। अवैसी के अब्बू जान अपनी तकरीर में कहा करते थे कि इंदिरा गांधी को आना पड़ा मजलिस में और अवैसी के अब्बू जान गए नहीं उठ करके। तो देखिए, इंदिरा गांधी जी अपना नाक रगड़ने अगर जाया करती थी अवैसी के अब्बू जान के पास, तो वो इंदिरा गांधी जी का अपना सोच समझ है। ये जो आपने वीडियो दिखाया है, ये 13 मई का वीडियो है। ये वीडियो, इसमें जो साड़ी पहन करके जो महिला है, इनका नाम है माधवी लता जी। ये हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की बहुत एडुकेटेड, शिक्षित और बहुत ज्यादा धार्मिक और तकरीबन 40 साल से ऊपर की महिला है, बड़े बड़े बच्चे हैं इनके और भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है हैदराबाद से। इनका नाम जैसे ही हैदराबाद में घोषित हुआ, वैसे ही अवैसी के रजाकार फौज और लुंगी छाप फौज को लग गई मिर्ची लुंगी के अंदर, और ऐसी मिर्ची लगी
कि ये लोग अपने अपना सही शक्ल सामने लेकर के आ गए। अवेसी जो बिना मूंछ के दाढ़ी रख करके, शेरवानी पहन करके, सर पे टोपी रख करके अपने आप को बहुत इस्लामिक साबित करता था, अपने आप को बहुत मजहबी साबित करता था, अपने आप को बहुत खुदा परस्त साबित करता था, अपने आप को प्रॉफेट मोहम्मद का सबसे बड़ा फॉलोअर साबित करता था, आज उसके चेहरे से हिजाब खुल गया, आज उसका पर्दा फाश हो गया। अवेसी जो हिजाब पहनाने के लिए औरतों को सलाह मशवरा दिया करता था, आज अवेसी का हिजाब माधवी लता ने खोल दिया। हैदराबाद के चार मीनार का पूरा चिट्ठा मैंने खोला। जब मैं हैदराबाद पहुंची माधवी लता जी की कंपेनिंग में, तो मैंने चार मीनार विजिट किया। वहां पर मैंने देखा कि चार मीनार और हैदराबाद ओल्ड सिटी को कैसे अश्लीलता का बाजार और कोठे कोठा का छत बनाया गया है, और कैसे वहां पर बेटियां जो हैं, मासूम बेटियां खरीदी और बेची जाती हैं, कैसे हलाला सेंटर खुला हुआ है और मासूम मुसलमान बहनें मेरे कंधे पर जो रोई हैं और जो कल्पी हैं और जो अपने मुसीबत के हालात को उन्होंने मुझे बताया है। मैंने उसके वीडियो को म्यूट करके बाकी सारे फोटोग्राफ्स और वीडियोस जो है वो मैंने डाले सोशल मीडिया पर। अब जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पर डाला, अवेसी और अवेसी के रजाकार फौज जो है वो घबरा गए कि नाजिया तो सारे मैटर लेकर के चले जाती है सुप्रीम कोर्ट, कहीं ऐसा ना हो कि हैदराबाद की 100 बेटियों को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट चले जाए। अब जैसे जैसे कंपेनिंग चल रही थी, वैसे वैसे अवेसी के 40 साल का अब्बू जान से लेकर के छोटे और बड़े अवेसी का पोल पट्टा माधवी लता जी ने खोला। 5 लाख से ऊपर बोगस वोटर्स का चिट्ठा माधवी लता जी ने खोला और इलेक्शन कमीशन को वो बोगस वोटर्स, वो घुसपैठिया वोटर्स को कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद जिस दिन मैं हैदराबाद पहुंची थी, उस दिन माधवी लता जी के ऑफिस में काफी अफरा तफरी थी, काफी लोग भरे हुए थे। तब मैंने पूछा कि हुआ क्या है, उन्होंने बताया कि ऐसा है कि 80,000 लोग मेरे ऑफिस के बाहर खड़े हैं कि उनका वोटर आईडी कार्ड से नाम हटा दिया गया है और उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया है, मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। अवेसी जीतने के लिए, उस गद्दी को बनाए रखने के लिए उसने जो चिटिंगबाजी और जो चोरी और जो डकैती और जो अश्लील हरकतें की है, उसका पर्दा फाश हो चुका है, एकदम सही तरीके से फाश हो चुका है। अब मैं आपको, आप सबको पता है कि भारत में एक बहुत बड़ी मस्जिद का की नींव रखी गई है जिसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। सबको पता है अवेसी की क्या राय है उस मोहम्मद बिन सलमान मस्जिद के बारे में, वो मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहती हूँ, ताकि मैं बोलूंगी तो फिर मुसलमान मुझे गालियां देंगे, गंदी गंदी सड़ी सड़ी गालियां देंगे, क्योंकि गाली देना तो सुन्नत रसूल है इनके लिए, मुसलमानों के। ये जो पाकिस्तान इंडिया के मुसलमान हैं, ये अपना फर्ज समझते हैं दूसरे को गाली देना। और देखे महिला को गाली देना किसी, देखिए देखिए देखिए, मैं मुजफ्फर भाई इस बात को पहले क्लियर करूं, मुसलमान नमाज पढ़ता है क्योंकि फर्ज है, मुसलमान रोजा रखता है क्योंकि फर्ज है, मुसलमान तहज्जुद करता है क्योंकि नफिल है, मुसलमान जकात और फितरा करता है क्योंकि क्योंकि सुन्नत है, सुन्नत रसूल में आता है। मुसलमान हर वो फराइज अंजाम करता है और देता है, और हर वो सुन्नत रसूल को मानता है जो इस्लाम के मजहब की किताब और अल कुरान में लिखा हुआ है। अगर मुसलमान मुझे गंदी गंदी सड़ी सड़ी मेरी माँ बहन को लेकर के गालियां दे रहा है और अपनी शब्दावली से मुझे मेरे मुझे निर्वस्त्र कर रहा है, मुझे बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, अपनी अपने लहजे और जुबान से मेरे उजू के हर एक अंग को घेट रहा है, तो ये भी सुन्नत रसूल होगा। अगर नहीं होता तो कभी नहीं देता गाली, क्योंकि इस्लाम के परे तो कोई काम मुसलमान मर्द करते ही नहीं है ना, चार शादी सुन्नत के हिसाब से करते हैं, तो सुन्नत के रसूल में गाली देना। आपने मुझे स्क्रीनशॉट जो रात भेजे थे, यकीन माने कि मैं नहीं पढ़ सका, मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि ये कैसा मुसलमान है। उसका नाम देखे, नाम उसका मोहम्मद साकिब नाम है। आप लोगों को दिखाइए, आप जनता को दिखाइए, जनता पढ़े पढ़े कि मुसलमानों के लिए सुन्नत रसूल में कितनी अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत गालियां होती हैं।
तभी तो मुसलमान देता है इतनी खूबसूरत गालियां, नहीं तो क्यों देता। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िर राय खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िर राय खान जी ने न सिर्फ मजहब के ठेकेदार बल्कि जो कट्टरपंथी हैं खासकर ओवैसी जैसे उनको भी एक्सपोज किया और आपने देखा कि कैसे ओवैसी की जो रजाकार फौज है वो माधवी लता जी को सरेआम सड़कों पे गालियां निकाल रही थी, ये है इनका असली चेहरा। तो इसलिए आपके हर एक वोट की कीमत इस बार बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, आप चाहें तो अपने वोट से भारत और अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।